प्रयास विद टारगेट में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया सूचकांक इंडेक्स के बारे में, और आज फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विदेशी यात्रा। अगर मैं बात करूँ विदेशी यात्राओं को, तो पिछले पीटी के एग्जाम यानी पीटी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका बताइए कि सबसे पहले भारत की ओर कौन सबसे पहले विदेशी यात्री आया था। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप डिस्कस करते हैं इसी के बारे में, वो प्रॉपर तरीके से रोज पढ़ ले, आप नोट्स बनाते रहिएगा। तो पहला जो यात्री था उसका नाम था मेगास्थनीज। क्या था प्यारे बच्चों? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज को भेजा गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, तो भेजा किसने था प्यारे बच्चों? तो भेजा था, लिख लेंगे यहाँ पे, भेजा हमें यहाँ पे किसने भेजा? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो प्यारे बच्चों मेगास्थनीज की कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी बुक है, तो लिखेंगे इंडिका। कौन सी बुक है? इंडिका, यानी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, इंडिका है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया मेगास्थनीज, भेजा किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। यानी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था आक्रमण, जिसमें पराजय किसकी हुई थी? सेल्यूकस निकेटर की हुई थी। और ये अपनी बेटी का यानी अपनी पुत्री का विवाह करा देता है। किसके साथ? पुत्री का विवाह, जिसका नाम था हेलेना या कारलेनी। हेलेना और कारलेनी का विवाह करा देता है किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो प्यारे बच्चों, तो पहला नागरिक, पहला जो यात्री था वो था मेगास्थनीज। इसके बाद बात करें तो दूसरा आया हमारे पास फाहियान आया। दूसरा बेटे फाहियान आता है, दूसरा विदेशी नागरिक। तो फाहियान किसके कार्यकाल में आता है प्यारे बच्चों? तो लिखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड या द्वितीय के कार्यकाल में फाहियान आता है प्यारे बच्चों। इसके बाद आता है हमारा नंबर तीन पे, इसके नीचे आएगा, लिखेंगे हैनसांग। आया प्यारे बच्चों हर्षवर्धन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? हर्षवर्धन के कार्यकाल में। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है इतिसंग आया। तो जब ये आया तो इसने लगभग, मान के इसमें चलेंगे तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्ष तक बोध शिक्षा को ग्रहण किया। यानी इति संघ ने जब भारत के अंदर आता है तो ये जाता है नालंदा, यानी जो कुमार गुप्त ने बनाई थी नालंदा यूनिवर्सिटी, तो उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है इति संघ और 10 वर्षों तक यहाँ पर लेता है बोध शिक्षा प्यारे बच्चों। उसके बाद आते हैं अलबरूनी आया महमूद गजनबी के साथ आया। तो उसने जो भी चीज़ यहाँ पर देखी, तो इसकी दो बहुत फेमस किताबें हैं जिसका नाम लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे तहकीक ए हिंद और किताब ए हिंद। ये दो बहुत फेमस किताबें हैं जिसके अंदर भारत का इसमें जिक्र किया गया है, अलबरूनी की किताब तहकीक ए हिंद के अंदर और किताब ए हिंद के अंदर। इसके बाद प्यारे बच्चों आता है मार्को पोलो। इसके बाद कौन आता है? लिखेंगे यहाँ पे मार्को पोलो। तो प्यारे बच्चों मार्को पोलो के बाद आता है इब्ने बतूता की एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है रेहला। तो इब्ने बतूता ने किताब लिखी है, लिखेंगे प्यारे बच्चों रेहला। क्या है? इनकी एक बुक है यानी पुस्तक है। वो प्यारे बच्चों लास्ट में जो आता है आपका, लिखेंगे निकोला कोटी।
तो ये प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे जितने भी थे विदेशी यात्राएं थे, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले कौन आता है? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के। उसके बाद आता है फाहियान, ये किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आता है। उसके बाद आता है हैनसोंग, हैनसोंग आता है हर्षवर्धन के काल में। और इतिसंग आता है तुम्हारा, इतिसंग आता है आपका नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर उसने 10 वर्षों तक बौद्ध धर्म की शिक्षा को ग्रहण किया। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है अलबरूनी, जो किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के पास साथ आया था। महमूद गजनबी वो है जिसने 17 बार आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर। इसके बाद इसकी 2 किताबें हैं, पहली किताब है तहकीक हिंद है, उसके बाद किताब है हिंद है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला आता है मार्को पोलो, उसके बाद आता है इब्ने बतूता जिसकी किताब है रेहला, और लास्ट में आता है आपका निकोला कोटी। तो प्यारे बच्चों जुड़ते रहें, इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे, सब्सक्राइब बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।